On India Today television, in his first interview after that explosive press conference, which is being tracked by viewers all across the country, we have with us Parambir Singh, the police commissioner of Mumbai, with us live from Mumbai. Parambir Singh, welcome to India Today. Can you give our viewers a lowdown on how you started this investigation, why you started the investigation, and the kind of complaint that came to you? Mr. Singh, welcome. Thank you very much. And this investigation was started after we received a complaint from Hansa, which is the agency which works with BARC, which measures the TRP ratings of all the different channels. And as you all very well know, TRP ratings actually directly translates to revenues. The advertising revenues are directly related to the TRPs of a particular channel. So once we got this complaint from Hansa, that there were some ex-employees of Hansa who were leaking out the confidential data of the barometers which were installed for meeting TRPs. And these were being manipulated. So thereafter we started our investigation, a case was registered. One ex-employee of Hansa was first arrested, and one led to the other. One more employee was arrested, some cash and some amounts were recovered from the banks. And what came out, that these people on behalf of different channels were paying the households to run the particular channels for a long period of time while they were home, while they were not home. And the amount being paid to each household was about 400 to 500 rupees. So that was the basic case. And thereafter, the BARC also identified some suspicious patterns, some suspicious trends in viewership of certain channels. So some channels were identified by BARC, or BARC हरिदी के एक बड़ा चैनल रिपब्लिक है, उसकी भी जो रेटिंग्स है उसमें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दे रही थी. और जब हमने कुछ इस प्रकार के हाउसहोल्ड्स को जाके कांटेक्ट किया, उनको लेके आए पूछताछ के लिए, तो उन्होंने बताया कि उनको पैसे दिए गए थे और रिपब्लिक टेलीविजन ऑन रखने के लिए अपने घर में, वो घर में हो या ना हो. इनफैक्ट ऐसा भी सामने आया कि इनमें से कुछ लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो इंग्लिश का चैनल देख रहे थे रिपब्लिक. तो ये पैसा देके टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था. इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग, दो नॉन बेलेबल केसेस दाखिल हैं 409 एंड 420 ऑफ आईपीसी में. हमारी क्राइम ब्रांच आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है. एसीपी सांडभोर को इन्वेस्टिगेशन दिया गया है, उनके साथ एक सीआईओ की टीम दी गई है, अनेक ये प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है. कमिश्नर साहब, आपको ये आरोप साबित करने होंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, एक टेलीविजन चैनल में नहीं, एक डिबेट के दौरान नहीं, बल्कि एक अदालत में. हम आपसे जानना चाहेंगे, और तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको आज तक और इंडिया टुडे पर देख रहे हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास कितना पुख्ता सबूत है ये आरोप साबित करने के लिए कि अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टेलीविजन देश की जनता के साथ धोखा कर रहे थे, लोगों को पैसा देकर अपना चैनल दिखा रहे थे और रेटिंग सिस्टम को फिक्स करने की ये कोशिश कर रहे थे. आपके पास एविडेंस कितना स्ट्रांग है कमिश्नर साहब? हमको बीएआरसी ने कुछ जो सस्पिशियस पैटर्न था टीआरपी का, वो हमको उन्होंने पहले बीआरसी ने दिया रिपब्लिक के बारे में. फिर हमको कुछ विटनेसेस मिले हैं जिनको पैसा देके टीआरपी बढ़ाने के लिए उनको ये चैनल देखने के लिए किया गया था. ऑलरेडी विटनेस आ गए हैं हमारे पास, बीआरसी से हमारे पास रिपोर्ट आई है. इसके अलावा आगे का हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है. ऑलरेडी कुछ एविडेंस आ चुकी है और एविडेंस इकट्ठा करने का काम शुरू है. हमारे पास समय है, हम जिस प्रकार से हमारी एविडेंस आती जाएगी उस प्रकार से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा. एंड अल्टीमेटली वी विल ट्राई एंड मेक अ साउंड प्रूफ केस, अ फुल प्रूफ केस. कमिश्नर साहब, हम चूंकि एक तरफा खबर नहीं दिखाते हैं, हम दोनों पहलुओं को दर्शकों के सामने रखते हैं, इसलिए मैं आपसे रिपब्लिक टीवी के डिफेंस, उनका जो वक्तव्य आया है, उसके बारे में भी पूछना चाहूंगा.
रिपब्लिक टेलीविजन कह रहा है कि चूंकि उन्होंने मुंबई की सरकार के खिलाफ, मुंबई की पुलिस के खिलाफ खबरें दिखाई, आपके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे खबरें दिखाई, इसलिए आपका एजेंडा है, या आप उनकी जर्नलिज्म से, उनकी पत्रकारिता से नाखुश थे, इसलिए एक एजेंडे के तहत उनको टारगेट किया जा रहा है। इस आरोप पर कमिश्नर साहब आपका क्या कहना है? इस आरोप पर तो मुझे हंसी आती है। एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म कौन कर रहा था ये सभी को मालूम है। कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया किस प्रकार से एक एजेंडे को ड्राइव कर रहा था मुंबई पुलिस को डिफेम करने के लिए, मुंबई पुलिस को पब्लिक में मुंबई पुलिस की इमेज खराब करने के लिए। डेफिनेटली कवरेज ऑफ सर्टन चैनल्स वाज वेरी वेरी एजेंडा ड्रिवन। वी हैव नो एजेंडा। आवर एजेंडा इज ओनली अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड नथिंग मोर देन दैट। क्या मैं आपसे ये जान सकता हूं कि अगर रिपब्लिक टेलीविजन कहे कि हमने पैसे नहीं दिए, हम इन आरोपों का खंडन करते हैं, हम तो आप पे मानहानि का केस करने वाले हैं, ये साबित कैसे होगा कि वाकई में रिपब्लिक टीवी ने पैसे देकर लोगों को ठगा, दर्शकों के जो इमोशंस हैं उनके साथ खिलवाड़ किया, पैसे देकर लोगों को कहा कि आप हमारा चैनल देखिए, या प्रूफ कैसे करेंगे? क्योंकि इस तरह की कोई भी पेमेंट कैश में हुई होगी, लाजमी तौर पर कोई चेक काट के अपने साइन के साथ तो नहीं करेगा ऐसी पेमेंट। यही हमारा इन्वेस्टिगेशन है। वी विल डू अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा, एंड कुछ एविडेंस हमारे पास ऑलरेडी आई है, और आज तक शायद ही कोई आरोपी है जो खुद आकर बोलता है कि हमने ये गुनाह किया है। प्रत्येक आरोपी तो गुनाह डिनाई ही करता है, वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर होता है कि एविडेंस इकट्ठी की जाए एंड जो जिनके खिलाफ एविडेंस मिलती है उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, एंड दैट इज वॉट वी प्लान टू डू। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कमिश्नर साहब कि आप समन जारी करने वाले हैं रिपब्लिक टेलीविजन की मैनेजमेंट, उनकी मालकियत पर, तो आप समन कब जारी करने वाले हैं और अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए कब बुलाया जाएगा? जो भी उनके अधिकारी हैं इस सब्जेक्ट से डील करते हैं या टॉप मैनेजमेंट है, प्रमोटर्स हैं, आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार से हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा उनको समन किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ समन आज ही जारी कर दिए जाएं। आप कह रहे हैं कि आज ही समन जारी हो सकते हैं रिपब्लिक टेलीविजन की मैनेजमेंट के खिलाफ कि आप आइए मुंबई पुलिस के सामने, तमाम जो आरोप लगे हैं उनका जवाब दीजिए। कुछ समन तो आज अवश्य जारी हो सकते हैं। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि दो जो बाकी चैनल है उनके मालिकों को आपने गिरफ्तार किया है, अगर आरोप वही है, सबूत वही है, तफ्तीश वही है, तो ऐसा क्यों कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीसरे को नहीं? वहां डायरेक्ट एविडेंस ओनर्स के विषय में हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस था। यहां जहां बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल है, कौन बेनिफिशियरी है, कितना फायदा हुआ है, वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है, और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिलेगा उनको बुलाया जाएगा और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।